जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मयंक, तुम कुछ नहीं करोगे, अब जो भी करना है मैं करूंगी। नहीं मॉम, साहिल ने मुझसे दुश्मनी की है, उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। मयंक, अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। कैसे काबू रखूं मॉम, आप जानती हैं साहिल ने क्या किया है? तमाचा मारा चौधरी खानदान के मुंह पर। मैं खामोश बैठने वाला नहीं, मैं उसे इसका जवाब दूंगा। तनु मेरी है मॉम, सिर्फ मेरी, मेरा हक है उस पर। मुझसे तनु को छीन कर साहिल ने अपनी बर्बादी का रास्ता खोल लिया। मयंक, परेशान मत, तनु ने सिर्फ शगुन से इनकार किया है, लेकिन उसे अपना मानने से ना हमने इनकार किया है और ना ही बनता। तनु ने ऐसा क्यों किया? सब कुछ सही तो हो रहा था, फिर अचानक लगता है साहिल ने सौदे वाली बात बता दी है। लेकिन तनु तो उसे नफरत करती है, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वंदिता, तनु ने कुछ बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं, उसका सिर्फ ये कहना है कि हमने उसकी खुशियों के साथ साजिश की। लेकिन ये सारी बातें उसे पता कैसे चली? पता नहीं, मुझे तो लगता है ये साहिल की चाल, उसी ने सब कुछ बताया होगा तनु को। लेकिन मंदिरा, तनु साहिल से चिढ़ती है, उसे नफरत करती है, फिर कैसे? वंदिता, हकीकत तो ये कि तनु को सब कुछ पता चल गया, इसलिए अब उसे कैसे रोका जाए हमें ये सोचना। सच्चाई चाहे जो भी हो मंदिरा, शादी तो उसकी मयंक से ही होगी। ये सुनकर मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही। तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और फिर तनु कहाँ जा रही है? साहिल के पास। तनु, तुम साहिल से मिलने नहीं चाहती? मैं जाऊँ, आज मुझे उससे मिलने से कोई नहीं। तुम मुझे धमकी दे रही? नहीं मामा, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बीच जो मर्यादा है वो बरकरार है। तो ठीक है, एक बात कान खोल कर सुनो, तुम जैसे इस घर से कदम बाहर रखोगी, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सॉरी मंदिरा, तनु ना समझी कर रही थी, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं, नादान है, वक्त के साथ साथ वो भी समझ जाएगी। सही और गलत की पहचान नहीं है उसे, अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है उसे, अपने और गैरों में अंतर नहीं समझती। मामा, मैं साहिल के बगैर नहीं रह सकती, और आपने अभी अभी कहा कि
इस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, तो आप प्लीज इस घर के दरवाजे बंद कर लीजिए। मैं साहिल के घर जा रही हूँ आपका घर छोड़कर। तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ मामा, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता, पागल हुए जा रही हो उस दो कौड़ी के लड़के के पीछे जो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड भी नहीं कर सकता। मामा, आप ना कभी पैसों के आगे सोचती हैं ना कभी सोचेंगी। मैं प्रैक्टिकल हूं तनु, तुम्हारी तरह किस्से कहानियों में नहीं जीती। ये सिर्फ फिल्मों में पॉसिबल है, नॉट इन रियलिटी। मंदिरा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ठीक है मंदिरा। मामा मैं जा रही हूँ, पैसों के लिए जिंदगी नहीं, जिंदगी के लिए पैसे होते हैं, और मैं आपकी इस फिलॉसफी से अग्री नहीं करती। मायन के साथ जो कुछ भी हुआ ना, सिर्फ देवयानी और मंदिरा की वजह से। एक तरफ तो इस रिश्ते के टूट जाने से खुशी है कि साहिल को उसका प्यार मिल जाएगा, लेकिन मायन का भी तो अपना ही है। उसकी आंखों में आंसू देखे नहीं जाएंगे। विधि के विधान को कौन टाल सकता है बेटा? जो होना था हुआ, चाहे जरिया जो भी बने, अब इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपकी बातों से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन देवयानी और मंदिरा के गलत कदमों से हमारा परिवार डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये बात ये दोनों समझ क्यों नहीं रही? ये सब कर्मों का दोष है बेटा। अहंकार के साथ उठाए गए कदम कभी ना कभी लड़खड़ाते जरूर हैं। मंदिरा और दिव्यानी के साथ यही हुआ है। जब भी तुम उन्हें संभालने की कोशिश करते हो, रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन अफसोस उलझ कर रह जाते हो। नहीं सामना कर पाओगे तुम उनके अहंकार का, इसलिए ईमानदारी से जो तुम्हारा कर्म है वही करो। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है माँ कि मेरे अपने कर्म मेरे अपनों के साथ ही साजिश कर रहे हैं। अफसोस का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मनी मन तो खुश हो रहे होंगे, यही चाहते थे ना कि मैं इनकी शादी टूट जाए। मैं क्या चाहता, अगर तुम माँ बेटी पहले से समझ जाते तो मैं इनको आज रोना नहीं पड़ता, इस तरह आंसू नहीं बहाने पड़ते, समझी? ये सब आपकी वजह से हुआ है। सच्चाई क्या है किसी से छिपी नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुम, सच्चाई किसी से छिपी हुई नहीं। तुम्हारे गलत फैसले का विरोध करना मेरी सच्चाई है, मयंक और तनु के रिश्ते का विरोध करना मेरी सच्चाई है, लेकिन मेरे कदम तुम्हारी तरह गलत नहीं है, क्योंकि मैंने इस सच्चाई से तुम्हें बार बार समझाना चाहा, गलत का अंजाम हमेशा गलत होता है, लेकिन तुमने हमेशा मेरे इस कदम को गलत नजरिए से लिया। गलत नजरिए से नहीं, ममता के नजरिए से देखा, अपने नवासे की खुशी की नजरिए से देखा, क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूं। पर
आप क्या जाने इस तड़प को? आपने कभी मंदिरा और मयंक को इस नजरिए से देखा ही नहीं। बहू, दोष तुम्हारे नजरिए में नहीं है, लेकिन तुम्हारे उठाए गए कदमों में जरूर है। मैं भी एक माँ हूं, तुम्हारी तड़प को समझ सकती हूं मैं, लेकिन माफ कीजिएगा माँ जी, आप भी प्लीज आप जाइए यहां से। और आराधना से जुड़ी किसी भी बात में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। मयंक मेरा बेटा है और उसकी जिंदगी में मैं दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सॉरी बेटा, शायद मैं गलत समझ बैठा था, जिसे मैं अपना अधिकार समझा था वो शायद मेरा था ही नहीं। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तब, लेकिन जैसे जैसे तुम मेरी जिंदगी से दूर जा रही हो वैसे वैसे मेरे दिल के करीब होती जा रही हो। ऐसे में आखिर तुम्हें कैसे भुला पाऊंगा मैं तनु? क्या आप भैया के लिए कुछ कर नहीं सकती? बेटा, मैंने सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। पर अगर आपके ऊपर वाले ने देर कर दी तो? ऊपर वाला कभी देर नहीं करेगा बेटा, उसकी टाइमिंग उसकी प्लानिंग परफेक्ट होती है। भैया बहुत अपसेट है, मुझसे तो उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। माँ, आप कम से कम उन्हें तसल्ली तो दे सकती है ना? नहीं बेटा, तसल्ली देकर मैं उसे कमजोर बनाना नहीं चाहती। इस वक्त उसे सिंपथी की नहीं हिम्मत की जरूरत है। दिल के रिश्ते खुद ही सुलझाए तो अच्छा है। कई हाथ सुलझाने के लिए आगे बढ़े तो रिश्ते उलझते चले जाते हैं। तनु, तुम इस तरह हमारे घर नहीं आ सकते।
तू मेरे घर की होने वाली बहू है। हमारी इज्जत इस तरह चोरी चोरी थोड़ी ना तुझे लेकर आऊंगी। तेरी डोली पूरी दुनिया के सामने बैंड बाजे के साथ अपने घर लेकर आऊंगी। और अपने पापा के बारे में भी सोचो ना बेटा, तुम्हारे इस तरह घर छोड़कर जाने से वो दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी भी एक बेटी है, अगर वो मेरे साथ ऐसा करे, चाहे गलती मेरी क्यों ना हो, मैं तो समाज के सामने मुंह ही दिखा सकती ना। आप सही कह रही हैं, तनु को मैं घर छोड़ के आता हूं। नहीं बेटा, तनु को मैं घर छोड़कर आऊंगी। आराधना की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, तनु को घर से भागने पर मजबूर कर दिया। पता नहीं मॉम, ये साहिल और उसकी मॉम ने क्या जादू कर दिया था, अच्छे बुरे की समझ ही नहीं रही उसे। एक लड़की तो संभाल नहीं सके, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। I'm sorry मॉम, लेकिन इस वक्त ये बेटर होगा कि हम ये सोचें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। मैं भी वही सोच कि आराधना की इस चालाकी का जवाब किस तरह दिया जाए। वैसे तो तनु को भगाकर आराधना ने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। बस आज की रात बीत जाए, फिर आराधना को पता चलेगा कि मंदिरा को मात देना इतना आसान नहीं। बस आज की रात तुम दिवाली मनाओ, क्योंकि कल से तुम्हारी जिंदगी में सर होगा। मंदिरा, तनु ऐसा कर ही नहीं सकती, ये सब साहिल और आराधना का किया धरा है। पता नहीं उन दोनों ने क्या जादू किया इस लड़की पर कि इसने ये स्टेप ले लिया। मंदिरा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है कि साहिल और तनु अलग हो जाएं, पर कुछ नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा है साहिल का क्या करूं। डोंट वरी वंदना, लगता है अब आराधना का बहुत बुरा वक्त शुरू हो गया है। तब तुम ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती हो। प्लीज मंदिरा, तनु की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। अगर उसकी शादी साहिल से हो गई तो जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। तनु की शादी मयंक से ही होगी। तनु जब वापिस आएगी तब होगी। मंदिरा क्या होगा, विक्रम को अभी कुछ नहीं पता, और पता नहीं सुनने के बाद कैसा रिएक्ट करेंगे। सारा ब्लेम मुझ पर आएगा। तुमने कमाल कर दिया मंदिरा, तनु खुद घर छोड़कर गई, इसमें तुम्हारी क्या गलती। वही तो मंदिरा, सारी गलती उस आराधना की। और वंदिता, लाडली से ही बात कर लीजिए। मेरी बात का सीधी तरह से जवाब दो। साहिल के घर विद पैकेज। अब तुमने उसे जाने दिया तो मैं क्या करती। आपके लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है, और ऊपर से उस साहिल और आराधना ने उसे पता नहीं क्या क्या सिखाया है। अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने की कोशिश मत करो। पिता, अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने से तुम सही साबित नहीं हो जाओगे। तुमने तनु से ऐसा क्या कहा कि उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैंने उसे साहिल से मिलने के लिए मना किया था। मैंने कहा था कि अगर वो उनके घर जाएगी तो इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसीलिए उसने अपने बैग पैक कर लिए। कैसी माँ हो तुम, अपनी दोस्ती की वजह से तुम अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा रही हो। मैं उसकी जिंदगी बनाना चाहती हूँ विक्रम। मैं एक अच्छे घर का लड़का है, इतना पैसा है, इतना इज्जतदार घर है। पैसा होना अच्छाई की गारंटी नहीं होता वंदिता, और जहां तक इज्जत का सवाल है
वो आराधना जी की कहीं ज्यादा है औरों से। तनु मयंक के साथ जितना खुश रहेगी उतना साहिल के साथ नहीं रहेगी। वंदिता, ये फैसला तुम तनु पर